एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल शीजू स्टोरी। मैं हूँ श्रेया और दिवाली आ रही है क्योंकि घर में बहुत सारे काम होते हैं तो हमने घर के काम सारे निपटा लिए। ऑल क्लीनिंग वगैरह सब कुछ एकदम कंप्लीट हो गया है। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज शॉपिंग। यस, शॉपिंग नहीं हुई है, ओनली ग्रोसरी शॉपिंग हुई है। जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दी थी कि वो घर पर पहुँचा देंगे, क्योंकि बहुत हैट्रिक हो जाता है आप शॉप करने जाओ ग्रोसरी भी, तो दिस इज़ रियली कम्फर्टेबल। अगर हमको डीमार्ट से मैंने ऑर्डर कर दिया है, वो आराम से ला के उन्होंने पहुँचा दिया है, तो वो सामान कल आ चुका है। तो मोस्ट जो मेन था और ग्रोसरी शॉपिंग इज़ डन। सेकेंड जो है, कल है धनतेरस और आज से हमने शुरू करनी है दिवाली की शॉपिंग, क्योंकि जानते धनतेरस के दिन हर चीज़ें लेना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि इतना रश होता है मार्केट में। अभी से बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा, हर एक छोटी छोटी से लेकर बड़ी दुकानें पे बहुत ज़्यादा रश है। तो उस समय इतनी सारी चीज़ें रहने से, छोटी से बड़ी चीज़ें, तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाती है और इतनी चीज़ें एक दिन में नहीं ले पाते। तो हमने सोचा है कि हम दो तीन दिन शॉप कर लेंगे, वो ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। खैर, ज़्यादा एग्जॉस्टेड भी रहेगा, बहुत थका देता है ये भी काम, तो ये हम करने वाले हैं। तो आज हम जाएंगे कुछ शॉपिंग करने, दिए कैंडल्स वगैरह और भी जो भी चीज़ें हैं फॉर डेकोरेशन वो ले लेंगे। बाकी जो मेन शॉपिंग है, जो भी गोल्ड लेना है, सिल्वर लेना है, भगवान जी की जो प्रतिमाएं लेनी है, वो उनके वस्त्र, पूजा का सामान, तो ये सब हम लोग धनतेरस में लेंगे। झाड़ू वगैरह सब, जो जितनी चीज़ें हम धनतेरस में ली जाती हैं। और इसी के साथ साथ, क्योंकि घर हमने शिफ्ट किया, आपको पता होगा अगर आप मेरे ब्लॉग भी देखते हैं या फिर आपने मुझे देखा होगा, तो क्योंकि हमने अभी रिसेंटली हमने अपने नए हाउस में आए हैं अपना, तो जो हमारी जो लाइटिंग है वो कम पड़ गई है एक्चुअली, क्योंकि हमको यहाँ पे ज़्यादा लाइट्स की ज़रूरत है और जो बाकी लाइट्स हैं वो ख़राब हो जाती हैं। आप बहुत जानते हो, हर साल लाइट्स तो ख़राब होती ही रहती हैं, तो वो लाइट्स भी ख़राब हो गई हैं। तो अभी क्या करना है कि वो लाइट्स भी हमें लेनी है, कंदील लेना है और कपड़े वगैरह कुछ लिए नहीं है एक्चुअली, डिसाइडेड नहीं है, पर वहाँ जाके देखेंगे कि क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है। तो वो सब भी वहीं करना है उसी टाइम, यानी धनतेरस वाले दिन ही करना है, क्योंकि यहाँ से जो है हमारी मार्केट जो है वहाँ पे जाएंगे, वो वहाँ पे लगती है दिवाली की बहुत अच्छी मार्केट। और लोकली में जो यहाँ पे हमारे पास के शॉप में है, वहाँ पे हमने देखे दिए रंगोली वगैरह के बहुत ज़्यादा सस्ते मिल रहे थे, तो शाम को वो मार्केट लगती है, तो हम शाम को उस मार्केट में जाएंगे। इसी के साथ साथ दिवाली में बहुत बम्पर जो हमने इस बार शॉपिंग की है, जिसने हमारा थोड़ा सा बजट जो है वो बिगाड़ दिया है, क्योंकि हमको ये लेना था बहुत ज़रूरी, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि हम क्या लेने वाले हैं। बिग दिवाली शॉपिंग एक्चुअली वही है हमारा, क्योंकि हमारा दिवाली का पूरा बजट एक तरफ, उस चीज़ का बजट एक तरफ हो गया है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट था फॉर मी एंड फॉर माय हस्बैंड, क्योंकि हम दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो वो हमको लेनी ही लेनी थी, तो हमने वो लिया है। अरे मतलब लेना है, तो वो हम आपको दिखाएंगे। और शॉर्ट लिस्ट करके रखी हैं कुछ चीज़ें, तो वो कौन सी चीज़ है वो आपको देखने को मिलेगी आगे ब्लॉग में। और इसी के साथ साथ मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि हमने क्या क्या शॉप करा है, कुछ लोकल मार्केट से किया है, आज भी कुछ लाएंगे, तो या तो ब्लॉग में एक साथ ही दिखा दूँगी कि हमने क्या लिया है क्या नहीं लिया है। कुछ कल भी शॉपिंग हमने करी है, तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। सर रियली चीप रेट जो आपके लोकल वेंडर्स होते हैं, लोकल मार्केट होते हैं, वहाँ से मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ। वो क्वालिटी उनकी बहुत अच्छी होती है, फर्स्ट थिंग। दूसरी, वो बहुत ही रीजनेबल रेट में आपको दे देते हैं। आप मॉल से घंटा शॉपिंग कर लो, कुछ नहीं मिलना है आपको, फैंसी मिल जाएगा, बहुत ही महंगा मिलता है भैया, मगर मैं थोड़ा सा अच्छा भी लगता है। उनकी भी दिवाली हैप्पी, हमारी भी दिवाली हैप्पी, बजट में हम भी चल रहे हैं और उनके बेचारों पर नुकसान हो जाएगी। तो और दूसरी चीज़ है, मैं वहाँ पे ज़्यादा बार्गेन नहीं करती, क्योंकि जो भी हमारे स्ट्रीट वेंडर होते हैं वहाँ पे ज़्यादा बार्गेन नहीं करना चाहिए, मैं नहीं करती ज़्यादा। एक दो चीज़ हुई कि हाँ इतना हो लिया है, चलो अच्छा 5-10 रुपये के छुट्टे नहीं होते, छोड़ दो भैया, तो वो अलग बात है। तो हमने बहुत सुंदर सुंदर शॉपिंग करी है, सिर्फ दिया की करी है, और मुझे लगता है मुंबई में दिए बहुत ही महंगे मिलते हैं, क्योंकि एक्चुअली बहुत मिलते हैं, क्योंकि मैं जहाँ पे मेरा मायका है वहाँ पे तो काफ़ी सस्ते मिलते थे, यहाँ पे आई थिंक 40 रुपये दर्जन के हिसाब से दिए मिलते हैं, और वहाँ पे हम 40 रुपये में
100 दिए इस तरह से लेते थे एक्चुअली तब। महंगा है, खैर हर चीज़ महंगी है फिलहाल। तो चलिए अभी मैं आपको दिखा दूँगी कि क्या क्या शॉप किया है, हम कहाँ जाने वाले हैं, आगे क्या क्या शॉप करने वाले हैं, और चीज़ें काफ़ी ज़्यादा लिस्ट में पड़ी हुई है, और मेन धनतेरस की शॉपिंग भी। ब्लॉग या तो एक साथ इकट्ठे कर देंगे ताकि लंबा ब्लॉग ना रहे, मुझे भी अलग अलग ब्लॉग बनाने पड़ेंगे, इधर टाइम नहीं है। तो मैंने बहुत थोड़ा सा टाइम निकाल के आपके लिए सोचा कि चलिए हम आपको बता देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद शॉपिंग और दिखा देती हूँ कि क्या क्या मैंने लिया। हाय गाइस, अभी मैं रेडी हो गई हूँ, मार्केट जा रहे हैं बची हुई शॉपिंग करने के लिए। तो अभी मैं सोच रही हूँ डीमार्ट, तो डीमार्ट का ग्रॉसरी आ गया है, बट डीमार्ट से जो मुझे थोड़े से डेकोरेशन के आइटम्स लेने हैं दिवाली के लिए वो लेने जाना है। सो अभी मैं यहाँ पे रेडी हो गई हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं किया है, न्यूड लिपस्टिक, थोड़ा सा काजल मस्कारा, दैट्स इट। और इसी के साथ मैं आपको आउटफिट दिखा देती हूँ। ये है मेरा आउटफिट विथ येलो टॉप एंड ब्लैक शॉर्ट लेंथ और पैंट पैंट है, और विद इयर रिंग्स, बेसिक की चीज़ है, और बस बास्केट चलते हैं। तो अभी घर से निकल चुके हैं और मैं लिफ्ट से जा रही हूँ, और इसी के साथ साथ मुझे बाहर जान के पहले तो इतनी दूर थोड़ा सा चलना है या पास में ही ऑटो मिल जाता है वो देखना पड़ेगा, डिपेंड्स ऑन द टाइम कि क्या है क्या नहीं है। तो ये है हमारे बिल्डिंग के बाहर का व्यू, और अभी फ़िलहाल अच्छा है, बहुत ज़्यादा धूप नहीं है, तो मैं अच्छे टाइम पे निकली हूँ फ़िलहाल। तो ऑटो मुझे बहुत जल्दी मिल गई, और ऑटो वाले भैया तुरंत रेडी भी हो गए थे डीमार्ट के लिए। तो पहला जो डीमार्ट था ना वो मेरे घर से बहुत नज़दीक था, आई थिंक से 5 मिनट में लग जाते थे पहुँचने में, ट्रैफिक होती थी तो भले और 2-4 मिनट ले लीजिए, बट बहुत नज़दीक था। यह डीमार्ट काफ़ी दूर है, एक और डीमार्ट है वो भी नज़दीक है, बट वहाँ पे मैं अभी तक तो नहीं गई हूँ, देखते हैं होपफुली। यहाँ पे देखिए डीमार्ट पे मैं पहुँच गए हैं, बट इतनी भीड़, इतना रश होने के बावजूद मैं यहाँ अंदर कोई वीडियो नहीं शूट कर पाई। वापसी मैं आपको दिखा रही हूँ जो बाज़ार मार्केट लग रही है ना, हमारी लोकल मार्केट, ये दूसरे जगह की है। ये एक्चुअली जो वीकली मार्केट होता है कहीं संडे कहीं ट्यूसडे, तो वो इस तरह की मार्केट है, और मार्केट में पूरी दिवाली की धूम मची हुई है, और पूरे दिवाली के जितने भी आइटम्स हैं, आपको कपड़े, दिए, रंगोली और बंधनवार, बहुत ज़्यादा पर्स, बैग्स, शूज़, चप्पल सब मिल जाएगी इस मार्केट में। तो इसी तरह की मार्केट हमारे यहाँ भी संडे को लगती है, तो हमने संडे को ही ले लिया था, और इस जगह पे मार्केट जो है हमारे घर के थोड़ा सा ही दूर है, तो वहाँ ये मार्केट मंडे को लगती है। यहाँ देखिए कंदीज वगैरह, बंधनवार। हाय पीपल, हम आ गए हैं घर, और जो है घर पे आने के बाद बहुत ज़्यादा थक गए थे क्योंकि बहुत भीड़ थी, मैंने आपको दिखाया नहीं, मैंने सोचा था कि थोड़ा शूट कर लें कि क्या क्या है डीमार्ट में, बट सच बता रही हूँ कि कुछ भी दिखाने लायक नहीं था। अच्छा यहाँ पे फैक्ट्री है तो सायरन बज रहा है, बस नो नो। तो डिमांड में बहुत ज़्यादा रश था मैं, और आधी सी ज़्यादा चीज़ें थी वो स्टॉक आउट थी, मतलब मुझे खुद जो पर्सनली जिन चीज़ों के लिए गई थी कि मैं देख के लूँगी, इसलिए मैंने उसे ऑनलाइन ऑर्डर नहीं किया था, और कुछ चीज़ ऑनलाइन भी जो है वो स्टॉक आउट थी, बट वहाँ जाके भी स्टॉक आउट ही थी, मतलब एक तरह से जाना बेकार हुआ, ज़्यादा कुछ काम हो ही नहीं पाया एक्चुअली। और मगर कुछ कुछ चीज़ें जो मुझे बहुत ज़रूरी थी वो किसी तरह मिल गई थी, तो बस इतनी शॉपिंग हो पाई, नॉट अ बिग शॉपिंग ऑफ दिवाली। इससे ज़्यादा अच्छी शॉपिंग मैंने कल करी थी हमारे घर के लोकल मार्केट से, घर के पास के लोकल मार्केट से, तो वो ज़्यादा अच्छी थी एक्चुअली, बट दिस इज़ नॉट लुकिंग वेरी हैप्पी डे फॉर शॉपिंग। होता है कुछ कुछ दिन, शायद आपका शॉपिंग का अच्छा दिन नहीं होता, तो वो आज का दिन था। होपफुली कल हमारा दिन अच्छा हो धनतेरस के लिए, क्योंकि धनतेरस पे हमको बहुत सारी चीज़ें खरीदनी है, और मेन जितनी भी शॉपिंग है वो धनतेरस के दिन करती हूँ, जो जो शुभ होता है ख़रीदना, जैसे भगवान जी हुए और पूजा के सामान हुए, कपड़े हुए, भगवान जी के वस्त्र हुए और बर्तन वगैरह हुए, उसी के साथ साथ भगवान जी का भी कुछ बर्तन लेते हैं, सोना चांदी गोल्ड एवरीथिंग जो भी आपको चाहिए, और हाँ और हमको जो लेना है वो भी। और उसी के साथ साथ मैं आपको कल का दिखाऊँगी, पूरी मार्केट दिखाती हूँ, थोड़ी मार्केट दिखाती हूँ, डिपेंड्स ऑन रश, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, बहुत ज़्यादा जब आपका रश बहुत ज़्यादा होता है तो मैं फ़ोन नहीं निकालती, क्योंकि बहुत चांसेस होते हैं आपके फ़ोन ऐसे ऐसे लेके चल रहे हो, आप ब्लॉगिंग कर रहे हो, कितने लेके उड़ गया, और आप ब्लॉगिंग करते ही रह जाओगे, आपकी ब्लॉगिंग हो जाएगी,
तो इस वजह से मैं ज़्यादा नहीं निकालती, इस वजह से इतना हर एक डिटेल में जैसे ब्लॉगर बताते चलते हैं, मैं वो उस तरह से ब्लॉग नहीं करती। चीज़ें क्या हैं, क्या प्राइसिंग है, वो मैं आपको बताती हूँ। क्या क्या मैं अभी फ़िलहाल लाई हूँ उसको चलिए मैं दिखा देती हूँ। तो ये है मेरे यहाँ के संडे की मार्केट जो लगी थी, मैं आपके बारे में बता रही थी, जो आपने मंडे में देखी है वो मैंने इसमें थोड़ा सा ऐड कर दिया, इसकी क्लिप जो मैंने शूट की थी। और मेरा भी फर्स्ट टाइम था, इसके पहले मैंने कभी ये मार्केट नहीं एक्सप्लोर की थी। मैंने सुना था एक दो बार कि हाँ ऐसा लगता है, बट फिर मुझे जब पता चला कि हाँ दिए और काफ़ी ज़्यादा दिवाली की चीज़ें मिल रही हैं, तो मैंने कहा तो एक बार चेकआउट कर लेते हैं, क्या पता हमारे काम की चीज़ें मिल जाए। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी ड्रेस, कुर्ती और इनरवेयर्स, और इसी के साथ जीन्स, बरमूडा, स्टील के बर्तन, प्लास्टिक के बर्तन, और इसी के साथ दिए, रंगोली, खाने पीने के बहुत सारी चीज़ें, और बहुत सारी आपकी जो होती ना मेकअप एक्सेसरीज से रिलेटेड भी चीज़ें थी यहाँ पे। और काफ़ी आपको अंधेरा लग रहा होगा, बट इन्होंने पूरी फुल टू व्यवस्था कर रखी थी, लाइट्स वगैरह की आप देख ही रहे होंगे। यहाँ इवन सारी पेटीकोट जो रेडीमेड होते हैं, ब्लाउजेज आई थिंक ये भी थे। और उसी के साथ साथ हमने जो शॉप किया वो चलिए आपको दिखा देते हैं। ये देखिए रंगोली, लक्ष्मी जी के, भगवान कुबेर और गणपति जी की पूरी फ़ोटो वगैरह, शुभ लाभ। तो यहाँ पे ये जो हमने दिए लिए, भैया हमने बहुत अच्छे दाम लगाए थे, 30 रुपये दर्जन के हिसाब से ये डिज़ाइनर दिए दे रहे थे, सिंपल नहीं। इस तरह के शुभ लाभ का भी हमने लिया, रंगोली खरीदी यहाँ से। और इसी के साथ साथ यहाँ पे आप देख ही रहे होंगे प्लाजो, पजामास, मतलब इतनी मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना कुछ यहाँ पे मिलता होगा, और काफ़ी रीज़नेबल और अच्छा था, क्वालिटी वाइज भी अच्छा ही था। तो ये देखिए मैंने जो शॉप किया है, ये पहले तो दो रंगोली के इस तरह के साँचे, कभी कभी क्या होता है ना बहुत जल्दी होती है तो ये साँचे बहुत काम आते हैं, तो मैंने ये लिया और ये डिज़ाइनर दिया। ये मुझे पड़ा 30 रुपीज़ का 4, और रंगोली के साँचे हैं वो मुझे पड़े 20-20 ईच। और इसी के साथ मैंने ये 40 रुपीज़ का डिज़ाइनर दिया लिया मिरर वर्क के साथ, जिसमें 12 दिए हैं। और ये 10 रुपये का मैंने ये मटकी लिया, पूजा वगैरह में काम आती है तो इस वजह से, तो मुझे काफ़ी क्यूट और सुंदर लग रहे थे और रीज़नेबल भी बहुत थे। और ये दिए हैं 30 रुपीज़ के जो दर्जन भर दिए थे, तो वो मैंने अलग अलग लिए। और ये जो छोटे छोटे दिए हैं चार चार के मैंने लिए हैं अलग अलग, 3 डिज़ाइन के। और ये एक बड़ा दिया लिया जो 20 रुपीज़ का था, तो ये तो सारे पूजा वगैरह में काम आने वाले बड़ा दिया, क्योंकि अखंड दीपक हम जलाएंगे तो उसमें भी काम आएगा, 2 दीपक तो जलने हैं। और ये एक सिंपल दिया लिया मैंने 20 रुपये दर्जन के हिसाब से, यानी मैंने इसे 3 दर्जन के करीब, हाँ 2.5 से 3 दर्जन इसे लिए हैं। और ये लक्ष्मी जी के पैर लिए हैं, क्योंकि लगाना शुभ होता है दिवाली वाले दिन, तो वो हम यहाँ पर लगाएंगे अपने घर के बाहर। रंगोली के पूरे मैंने जितने कलर्स थे उससे वो ले लिए, 5-5 रुपये का दे रहा था वो, तो बहुत अच्छा लगा। तो ये स्वास्थ्य शुभ लाभ जितनी भी चीज़ें थी मुझे जितनी याद पड़ी, क्योंकि मैं बहुत ही रैंडमली निकली थी, और तो मुझे काफ़ी चीज़ें इस तरह से दिखाई दी, मैंने ले ली। अब इसी के साथ चलिए मैं आपको ना अपने डीमार्ट की शॉपिंग भी दिखा देती हूँ। अगर डीमार्ट से मैंने बहुत ज़्यादा नहीं, ये इस तरह के टी लाइट कैंडल लिए हैं, 149 रुपीज़ के, 50 पीस हैं, और काफ़ी अच्छे और लंबे चलते हैं। सेंटेड कैंडल्स वगैरह तो नहीं मिली, और ज़्यादा कुछ वेराइटी नहीं दिखी, जबकि डीमार्ट में होती है बट नहीं थी इस बार, तो क्योंकि ख़त्म हो गई थे आधे से ज़्यादा सामान। तो ये मैंने टी लाइट कैंडल्स लिए, उसी के साथ मैंने एक लाइट ली, एलईडी लाइट, ये काफ़ी अच्छी है, इसकी लड़ी भी बहुत ज़्यादा लंबी है और ये काफ़ी अच्छी जो है वो बल्ब जलती है। ये देखिए ये 129 रुपीज़ की थी और मुझे काफ़ी पसंद आई। और डी मार्ट के मैंने पहले भी लाइट्स ली हैं, तो काफ़ी अच्छी और लंबी चलती है। अगर आपके यहाँ डी मार्ट है, आप लेने को सोच रहे हो, तो डी मार्ट से लाइट पक्का ले सकते हो, काफ़ी अच्छा क्वालिटी होता है, मेड इन इंडिया है। पहली बात तो ये कि सारी चीज़ें मेड इन इंडिया है, मैंने देख देख कर ली है, कोशिश की है सारी मेड इन इंडिया ही लूँ। सो गाइज ये थे मेरी दिवाली शॉपिंग स्टार्टिंग की, जो भी छोटी मोटी चीज़ें मगर इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो मैंने ले ली। और डी मार्ट से मैंने बताया मैं बहुत कुछ, जो पूजा की चौकी होती है वो काफ़ी सुंदर है जो है वो थी, तो वो वहाँ पर स्टॉक आउट हो गई थी, मैंने काफ़ी बार पता किया। अभी मैंने डी मार्ट पर ऑनलाइन उसके ऐप पे देखा है वो है, तो अगर वो ऑर्डर हो जाता है, वो मुझे मिल जाती है, तो मैं उसे ऑर्डर कर दूँगी। दूसरी चीज़ है तो वहाँ आपकी लाइट्स मुझे बहुत अच्छी लगी, एक ही लाइट थी और 129 की थी और काफ़ी अच्छी थी, रीजनेबल रेट था और काफ़ी लंबी लड़ी भी है। तीसरी चीज़ जो मैंने लेने थे तो वो मैंने लिया है छोटा डस्टबिन, क्योंकि छोटी मोटी चीज़ें होती हैं रूम के लिए, तो मुझे डस्टबिन चाहिए था। दूसरी चीज़ मैंने सोप केस लिया है, सोप केस भी मुझे ज़रूरत थी,
और थोड़ा चम्मच वगैरह रखने के स्टैंड वगैरह लिए, और भी काफ़ी चीज़ें सोच के गई थी मैं। और जैसे मैं आपने दिखाया टी लाइट कैंडल, ये देखा था तो ये काफ़ी अच्छा रहता, बहुत लंबा चलता है, तो ये मुझे पसंद है तो मैंने ये लिया था। सोच के तो मैं सेंटेड कैंडल्स वगैरह भी गई थी, बट आई डोंट नो वो कहाँ पे था। मैंने बहुत ट्राई किया, पूछा भी, आई थिंक वो भी ख़त्म ही हो चुके थे। लास्ट टाइम जाने पे यही होता है आई थिंक ये है, बट क्योंकि मैंने शिफ्टिंग करी है ना, तो यहाँ का डीमार्ट का थोड़ा सा मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है। फर्स्ट टाइम है कि मैं यहाँ के डीमार्ट पे गई हूँ, क्योंकि इसके पहले तो मैं नवी मुंबई में थी, वहाँ का डीमार्ट तो मुझे उसका हर एक कोना, हर एक पता था कि कौन सी चीज़ें न्यू अराइवल कहाँ पे है, दिवाली के आपको शॉपिंग कहाँ पे कर सकते हो, कौन सी जगह पे लाइट्स कैंडल्स मिलती है, तो उसकी मुझे नॉलेज थी। बट ये क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था और ये मुझे पता नहीं था और रश बहुत ज़्यादा थी, तो इस वजह से ज़्यादा चीज़ें तो नहीं हो पाई। हाँ, लोकल मार्केट से मैंने क्या लिया और क्या लिया है डीमार्ट से, वो मैंने आपको बता दिया है। कल का व्लॉग भी आप ज़रूर देखना, धनतेरस की शॉपिंग मैंने क्या क्या करी है, और यहाँ पर बहुत बड़ी मार्केट लगती है और दिवाली के लिए बहुत ही स्पेशल मार्केट है, तो वहाँ मैं पहली बार जा रही हूँ। होपफुली आपको भी वहाँ पे ज़रूर ले चलूँगी, तो वो मेक श्योर करिएगा, ज़रूर देखिएगा नेक्स्ट व्लॉग। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। आई एम श्रेया, नाम से मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, आप चाहे तो मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं। बाय, लव यू, सी यू सून, हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ यू एंड वेरी हैप्पी दिवाली।